दोस्तों गोलमेज सभा में बाबा साहब ने बात कही कि मैं और मेरे लोग हिंदू नहीं हैं, और यदि गलती से भी बाबा साहब ये कह देते कि मैं और मेरे लोग हिंदू हैं तो आपको जितने स्पेशल राइट्स बाबा साहब ने दिलाए वो आपको एक भी नहीं मिलता, एक भी नहीं मिलता। ये वहीं से शुरुआत हुई जिनको बाबा साहब ने 1950 में जो संविधान लागू हुआ उसमें डाले, तो वहीं से वो लाए। तो इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों बाबा साहब ने 1935 में, आज माता रमाबाई जी का जन्मदिन है और आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, जहां मैं अपने ईश्वर अपने भगवान बाबा साहब को जय जयकार करता हूं, वहीं माता रमाबाई जी को भी जय जयकार करता हूं, इनको भी मैं उतना ही सम्मान देता हूं। क्योंकि बहुत सारे विद्वानों ने ये बात कही है कि किसी भी आदमी के पीछे, उसकी सफलता के पीछे उसकी पत्नी या किसी औरत का हाथ होता है, और हमारे बाबा साहब की सफलता के पीछे माता रमाबाई जी, पूज्य माता रमाबाई जी का हाथ रहा, इसमें कोई दो मत हो नहीं सकते। मैं उस बात का जिक्र करूंगा कि 1935 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने घोषणा की कि मैं हिंदू पैदा हुआ ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं ये मेरे बस की बात है। कि यदि डॉक्टर अंबेडकर मुसलमान बन जाए या क्रिश्चियन बन जाए तो इस देश के हिंदूवादी लोगों की ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे, तो उनको डर लगा। इसलिए उन्होंने कुछ समाजवादियों को, कुछ सेठों को, और जो वहाँ के शंकराचार्यों में सबसे श्रेष्ठ थे करपाती महाराज को बाबा साहब के पास भेजा। मैं बहुत शॉर्ट में आपको ये बात बताना सारी। और बाबा साहब से जाके उन्होंने रिक्वेस्ट की कि बाबा साहब गांधी जी का भी ये मानना, नेहरू का भी ये मानना, पटेल का भी ये मानना है, और बाकी नेताओं का भी, हिंदू नेताओं का ये मानना है कि यदि आप हिंदू बने रहे तो मैं, हम लोग आपसे छुआछूत मिटा देंगे, इस देश से अछूतपन मिटा देंगे, अस्पृश्यता मिटा देंगे। बाबा साहब ने कहा बहुत बढ़िया बात है, मैं हिंदू बने रहने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी तीन डिमांड है। कौन सी डिमांड? तो बाबा साहब ने कहा, जो पहले बाबा साहब ने सबसे पहले कहा था, इंटर डाइनिंग एंड इंटरकास्ट मैरिज, यानी अंतरजातीय शादी और अंतरजातीय खान पीन। कहा ठीक बात है। दूसरी बात बाबा साहब ने कहा कि आज देश के अंदर चार शंकराचार्य हैं, उस टाइम में चार हुआ करते थे, तो ये चारों जो शंकराचार्य हैं चार के बजाय पांच होने चाहिए। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे? तो उन्होंने कहा कि एक तो ब्राह्मण होना चाहिए, क्योंकि चार वर्ण है ना हिंदुओं के, एक ब्राह्मण होना चाहिए, एक अक्षत्रिय होना चाहिए, एक वैश्य होना चाहिए, एक शूद्र होना चाहिए, और एक हमारे अछूतों में होना चाहिए जो हिंदू नहीं है। और एक और शर्त कौन सी? कि आपके जो धर्म ग्रंथों के अंदर ये बुरे बुरे शब्द लिखे, चूड़ा चमार नीच क्या नाम धानक, ये जितने भी बुरे बुरे शब्द हैं इनको निकाल के रख दो। तो उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि यदि बाबा साहब की बात को हमने मान लिया तो हमारा हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म तो है ही ऊंच नीच के ऊपर टिका हुआ, और बाबा साहब की बात मानने का मतलब है कि हिंदू धर्म को खत्म करना या सबको बराबरी का अधिकार देना, इसलिए वो बात को माना नहीं गया। अब एक बात मेरे दिमाग में भी आई और आपके दिमाग में भी बात आई होगी कि बाबा साहब ने गोलमेज सभा में और कई जगह ये बात क्यों कही कि मैं और मेरे लोग हिंदू नहीं है, ये कहां से आया? तो मेरे दोस्तों जो समाज के लिए काम कर रहे हैं उनको दो चीज याद रखने की है। पहला तो ये याद रखने का है कि बाबा साहब की लड़ाई सम्मान और स्वाभिमान की थी, अल्टीमेट एम बाबा साहब का स्वाभिमान और सम्मान लेने का था, और यही भारत के संविधान के प्रीएम्बल में मैंने पढ़ा है। उसमें दो उद्देश्य हैं, उसमें से एक उद्देश्य ये भी है कि मैं इस भारत के जो अछूत हैं, भारत के जो लोग हैं उनकी, उनको स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करूंगा। और उन्होंने हिंदी में उसमें एक लाइन लिखी है कि व्यक्ति का गरिमा और प्रतिष्ठा को बरकरार रखूंगा, ऐसा उसमें वर्ण आया। इसका मतलब यह है वो हमारे स्वाभिमान को जिंदा रखना चाहते थे, ये अल्टीमेटम है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये अल्टीमेटम है तो ये क्या नाम है, शिक्षा का अधिकार क्या है, इसका अधिकार क्या है? भैया बाप किसी भी आदमी का स्वाभिमान सम्मान बनाने के लिए या किसी भी सोसाइटी का स्वाभिमान सम्मान बचाने के लिए पांच चीजों की जरूरत है।
पहला, जितनी शिक्षा होगी उस आदमी का सम्मान ऊपर जाएगा। दूसरा, जितनी सामाजिक एकता होगी उतना उसका सम्मान ऊपर जाएगा। तीसरा, आर्थिक, जितनी उसकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी उतना सम्मान ऊपर जाएगा। चौथा, राजनीति, जिसकी आज बात हो रही है बहुत जोर से और हम लोग भी करते हैं, जब हम राजनीति में सशक्त होंगे तो हमारा स्वाभिमान ऊपर जाएगा। और भैया, ये पांचवा छोटा अंगूठा दिखता है लेकिन है बहुत मोटा। पांचवा है धर्म और संस्कृति, संस्कृति और संस्कार। यानी जिस दिन हम बुद्धिस्ट बन जाएंगे, जिस दिन ये हमारा समाज बुद्धिस्ट बन जाएगा, तो हम लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं इस देश में, जो हमारे लोग हैं बहुत बड़ी जनसंख्या में, बहुत बड़ी जनसंख्या में। इसलिए यदि वो बुद्धिस्ट बनेंगे तो इस देश में बदलाव आएगा, बराबरी आएगी और आपका स्वाभिमान और सम्मान बराबर आएगा।